अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए साइंस। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज बायोम्स। हमारी जमीन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है जिनको नेचुरल एरियाज या बायोम्स कहा जाता है। सो बायोम्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। अ बायोम इज अ लार्ज रीजन ऑफ अर्थ दैट हैज अ सर्टेन क्लाइमेट एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। मेजर बायोम्स में फॉरेस्ट, डेजर्ट, एक्वाटिक, ग्रासलैंड और टंड्रा शामिल हैं। इनमें से हर एक बायोम का अपना यूनिक इकोसिस्टम होता है जिसमें क्लाइमेट, वहाँ पाए जाने वाले पौधे, जानवर और वहाँ की जियोग्राफी शामिल है। वैसे तो ज़मीन पे बहुत से बायोम्स हैं लेकिन ये सब दो मेजर कैटेगरीज में फॉल करते हैं। नंबर वन इज़ टेरेस्ट्रियल बायोम्स और नंबर टू इज़ एक्वाटिक बायोम्स। टेरेस्ट्रियल बायोम्स ऐसे बायोम्स हैं जो खुश्की पर पाए जाते हैं और एक्वाटिक बायोम्स वो बायोम्स हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। इन दोनों बायोम्स में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ खास किस्म के ट्रेट्स होते हैं जो इनको पानी में या खुश्की पर रहने में मदद देते हैं। इन खास ट्रेट्स को अडेप्टेशंस कहा जाता है। इसके साथ ही हम बायोम्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेजर्ट बायोम्स को। डेजर्ट जो हैं वो रीजन है अर्थ का जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर पाया जाने वाला सहारा डेजर्ट और पाकिस्तान के अंदर थर एग्जांपल्स हैं। यहाँ दिन के वक्त चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे नॉक्टर्नल पाए जाते हैं। दे गो टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड दे कम आउट एट नाइट टू ईट एंड हंट। उसके बाद आता है हमारे पास टंड्रा बायोम। टंड्रा रीजन जो है दैट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है सर्दियों में इट कैन फॉल टू -51 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ की सॉइल साल का ज़्यादातर हिस्सा फ्रीज हुई रहती है एंड वाटर इज अनअवेलेबल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स की स्किन जो होती है या फिर फर जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। उसके बाद बारी आती है फॉरेस्ट बायोम्स की एंड फॉरेस्ट्स रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ अर्थ्स लैंड। ट्रीज इस बायोम का एक खास हिस्सा है और डिफरेंट फॉरेस्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पौधे उगते हैं और इसी बेस पे फॉरेस्ट्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिनमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, टेगा फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट्स शामिल हैं और इनमें से हर एक फॉरेस्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रासलैंड बायोम्स की। ग्रासलैंड्स आर बिग ओपन स्पेसेस इन विच वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय नियरली अ कॉन्टीन्यूस कवर ऑफ ग्रासेस। ग्रासलैंड जो सॉइल होती है दैट इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई दरख्त नज़र नहीं आता एंड ग्रास लैंड्स आर होम टू लार्ज हर्ड्स ऑफ ग्रेजिंग मैमल्स। लास्ट इज एक्वाटिक बायोम। अब एक्वाटिक बायोम के अंदर दो तरह की वाटर बॉडीज आती हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स और सॉल्ट वाटर बॉडीज लाइक ओशंस। और यहाँ इन दोनों वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑन द होल एक्वाटिक एनिमल्स की जो बॉडीज होती हैं दे आर स्ट्रीमलाइंड, दैट मीन्स उनकी जो बॉडीज होती हैं दे आर बोट लाइक इन शेप और उनके स्पेशल अपेंडेजेस होते हैं जिनको फिन्स कहा जाता है जो कि उन्हें स्विम करने में मदद देते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके वेब्ड फीट होते हैं। इन एनिमल्स की एक और अडेप्टेशन जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन देयर बॉडी। गिल्स वो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो इनको पानी के अंदर डिजॉल्व हुई हुई ऑक्सीजन ब्रीथ करने में या इनहेल करने में मदद देते हैं। ये तो हो गई बायोम्स की डिस्कशन ओवरऑल। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम हर एक बायोम को वन बाय वन स्टडी करेंगे। एंटिल देन अल्लाह हाफिज़।